मुख्यमंत्री रघुवर दास इन 3 दिनों के जमशेदपुर प्रवास पर है, जहां सीएम बर्मा माइंस लक्ष्मीनगर में बीजेपी मंडल बैठक में शिरकत कर रहे हैं और इसके बाद सीएम सीताराम डेरा मंडल में शीतला भवन भालूबासा में मंडल प्रवास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम बिरसा नगर में जाहिर स्थान में गार्डवॉल का उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो जमशेदपुर के बर्मा माइंस में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास। सीताराम डेरा भालूवासा में भी मंडल बैठक में शामिल होंगे। टारगेट 65+ के लक्ष्य को साधने में जुटा है बीजेपी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है विधानसभा चुनाव में। तो जमशेदपुर के बर्मा माइंस में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास, अपने 3 दिवसीय प्रवास दौरे पर हैं। और ज्यादा जानकारी ले जमशेदपुर से सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर। अविनाश, अपने 3 दिवसीय प्रवास दौरे पर सीएम मौजूद है जमशेदपुर में, कई कार्यक्रम हैं, 65+ का जो टारगेट है उसे पूरा करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नहीं, जरूर, आज प्रवास का अंतिम दिन है मुख्यमंत्री का, और अगर हम प्रवास के लिहाज से बात करें, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में, अगर हम कुल कार्यक्रम के लिहाज से भी अगर हम बात करें, पिछले कल भी 4 ऐसी बैठकें हुई थी प्रवास सम्मेलन के को लेकर, उससे एक दिन पहले की बात करें तो एक बैठक पहले हो चुकी है, यानी कि 5, और आज अगर हम सुबह की बात करें तो वर्मा माइंस में जो प्रवास की बैठक थी वो सम्पन्न हो चुकी है और एक और बैठक शाम को भालूवासा में होना है। फिलहाल जिस कार्यक्रम में वो भाग लेने आ रहे हैं, सतना स्थल के कह सकते हैं कि जिसकी चारदीवारी या जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है, और पोषण सप्ताह महीना जो चल रहा है उसको लेकर उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। निश्चित रूप से अगर हम 65+ जो कि सांगठनिक रूप से बीजेपी ने तय किया है, उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद ही ऊर्जावान कह सकते हैं बीजेपी के वैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो बूथ स्तर पर बीजेपी के सैनिक के तौर पर मुस्तैद हैं। दूसरी अच्छी बात यह भी है राजदा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर यहाँ तक का उन्होंने सफर तय किया है, इसलिए वो लगातार कार्यकर्ताओं को इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी की रीढ़ कार्यकर्ता है और संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये एक अच्छा मैसेज भी है। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं उन्हें क्या कुछ करना है आगामी चुनाव के लिहाज से, क्योंकि 9 सितंबर से भी अगर हम बात करें, जो घर घर रघुवर कार्यक्रम तय किया गया है बीजेपी की तरफ से, संगठन का ये कार्यक्रम है, तो इस प्रवास के बहाने जो 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच चल रहा है, इस प्रवास के बहाने बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, जो प्रदेश के मंत्री हैं उनकी बात करें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें, तमाम ऐसे नेता जो सांसद हैं, तमाम नेता इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो धरातल पर उतर चुकी हैं, जिनके लाभुकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उनके बारे में उन आंकड़ों के साथ आम जनता को बताना कि इस डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ किया है और आगे मौका मिलने पर क्या कुछ करने जा रहे हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली है उससे काफी उत्साहित है सीएम, और साथ ही जो पूरी की पूरी बीजेपी की सेना है, और कहीं ना कहीं सीएम के साथ साथ जो नेता और कार्यकर्ता है उनमें एक अलग सा ही जोश देखने को मिल रहा है। नहीं, जोश होना भी चाहिए, और जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी की है, बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कमर कस चुके हैं, और दूसरी बात यह भी कि आपने सही कहा, लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई, 14 में से 12 सीटें बीजेपी के झोली में गई और आगे 65+ का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम उन 12 लोकसभा सीटों के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो उन 12 लोकसभा सीटों में 63 ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे जहाँ बीजेपी को या उसके सहयोगी दल को लीड मिला है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। माफ कीजिएगा, सिर्फ बीजेपी को ही 63 सीटों पर उनको गेन मिला था, और ये जो 65 का जो टारगेट रखा गया है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तो बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, न सिर्फ हम अगर पूर्वी क्षेत्र के जो कि अभी जमशेदपुर का इलाका है उसकी हम बात करें, बल्कि पूरे झारखंड में इस वक्त बीजेपी के नेता प्रवास कार्यक्रम पर हैं और एक ही लक्ष्य है 65+ को अचीव करना। और इस अचीवमेंट में दो चीजें शामिल हो रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो कामकाज हैं सरकार के, चाहे वो केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, और दूसरा राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है राजदा, क्योंकि अगर आप देखें
हर एक प्रवास के कार्यक्रम में अगर बीजेपी के संबोधन पर गौर करें, मुख्यमंत्री जिस तरह से अगर संबोधित कर रहे हैं उसमें 370 और कश्मीर का मुद्दा प्रमुखता से रखा जा रहा है, तो ये एक राष्ट्रवाद का ऐसा मुद्दा है जिससे जो देशवासी हैं झारखंड के, जो खासकर अगर हम बात करें तो उसका जो अटैचमेंट है इसका एक फायदा जरूर बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए।